भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तुम्हारे बाबा आ गए? नहीं आया। बाबा को क्या कहेंगे? हम इतने सारे लोग मिलके इतनी छोटी सी बात नहीं संभाल पाए, कैसे जाएंगे उनसे? दामाद जी कहाँ है? दामाद जी, दामाद जी को बुला के लाओ। कहाँ है दामाद जी? अरे जाओ ना, वो क्या देख रहे हो? दामाद जी को बोल, दामाद जी को बुला के लाओ। उनको कहना लड़के वालों के घर जाए, पैर पकड़े उनके, उनको कहे कि मंजुला की शादी कैसे होगी, उनको कहे वापस आ जा, जा जा जा। अरे क्या आई है? जाने नहीं आई हूँ। चले कौन? चले गए, चले गए कौन? दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी चले गए। हाँ तो ठीक है, दामाद जी चले गए, तू जा, तू जा, तू जा। अरे दामाद जी ने कहा था कि दामाद जी के रिश्ते में ये लड़के वाले लोग। जा 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 जा, तू चली जा। रहे मेरी बात को सुन, क्यों नहीं जा ना? शादी कैसे होगी? शांत हो जाओ। लड़के ने कहा है ना कि वो हमारी मंजुला से शादी करेगा, आप शांत हो जाओ। कब कब करेगा? हाँ कब करेगा? ऐसे कोई करता है दीदी? शादी ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। तू जा, तू जा अभी, उनको मना के लेके आ, जा तू। मेरी बात क्यों नहीं मान रही? बस देख, लड़का बहुत अच्छा है, उसने पूरे गांव वालों के सामने कहा है कि वो हमारी मंजुला से शादी करेगा। हाय, अब आप भी गांव वालों जैसी बात करोगे कैसे चलेगा? लड़का कह रहा है ना वो हमारी मंजुला से शादी करेगा, और अगर नहीं भी किया तो हम कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, ठीक है? और तब तक मैं ही ना रहूं तो? ऐसी बेकार की बातें मत करो आई। सच तो ये है, शादी टूट चुकी है, लेकिन जिंदगी तो खत्म नहीं होती है ना। सच तो ये है कि मेरे सिवाय इस घर में कोई ये नहीं चाहता था कि मंजुला की शादी हो जाए, खास करके मेरे तीनों बेटे। चलो, अरे भाई, चलो घर से बाहर। आई, निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो, निकलो। आप नहीं रोकोगे मुझे? आई, चले जाओ इस घर से। अगर आई की बात नहीं मानोगे तो इस घर में जगह नहीं है तुम्हारे लिए। दीपा आएगा तो उसे भी आने नहीं दूंगी घर के अंदर। कह देना अपने दीवा से, जब तक उसकी आई मरती नहीं है इस घर में लौट के ना आए। क्या बकवास करती रहती है तू? चल अंदर, आराम करना है। नहीं नहीं, यही सही है, जाओ, चले जाओ। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, यहीं इसी घर में आप सब लोगों के साथ। नहीं जाओगे? हाँ नहीं जाओगे तुम? क्यों? जब तुम्हारी मर्जी थी तो हम सब लोगों को छोड़ के चले गए थे ना तुम, अब नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग जीत गए हो। तो जाओ, जाओ ना, खुशियां मनाओ। दीवा आ जाएगा ना तो उसके साथ बाजा बजाओ, खुशियां मनाओ, नाचो सब लोग, जाओ। आई ऐसी बात नहीं है। आई, हमें भीम ने कहा था कि अगर ये शादी टूट जाए तो आप दुखी होंगी, तब हम दोनों भाई मिलकर आपका ख्याल रखें। और दीवा को क्या लगता है? हाँ? दुनिया में एक बस वही है जो सब सोचता है, समझता है, जानता है। तो कह देना बीवा को, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। अभी आई, अभी बीवा के बाबा बेटी की शादी के लिए जल्दी घर आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो सब उजड़ गया। रात हो गई,
भैया अभी तक नहीं आए। उनको तो ये भी नहीं पता कि पंचला की शादी टूट गई। चिंता तो मुझे भी हो रही है। तब तो बाबा को आ जाना चाहिए था। कहा भी था उन्होंने मुझसे। तुम्हारे बाबा भी तुम्हारे भाइयों का साथ दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें भेज दिया और खुद कहीं चले गए। आपने मेरा साथ छोड़ दिया ना। इस घर में कोई नहीं चाहता था कि मंजुला की शादी हो सिवाय मेरे। और मैं हार गई। मैं अभी दरवाजा ही नहीं खोल रही है। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। भैया भी नहीं है और भीम भी नहीं है। वो दोनों में से कोई होते तो अभी को संभाल लेते थे। अब क्या करें? रहने दीजिए आई को अकेले बुआ। एक माँ बनकर, एक बीवी बनकर, एक औरत बनकर सोचने दीजिए। उन तमाम चीजों के बारे में जो अभी हुई है, सोचेगी समझेगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और वैसे भी इस घर में सबसे ज्यादा हिम्मत और हौसला भाई में तो है। सही कह रही है तू। चलो सब लोग के लिए खाना बना देते हैं। आज खाना यहीं पर बनाना पड़ेगा। रहने दीजिए बुआ, खाया नहीं जाएगा। आनंद बाला। नहीं बुआ, रहने दीजिए। मैं भी नहीं खाऊंगा बुआ। नहीं बुआ, चलिए खाना बनाते हैं। मैं आई को खिला दूंगी और इधर आप भी खा लेना। और बुआ, भीमराव और बाबा दोनों बहुत समझदार हैं। वो दोनों जहाँ भी होंगे हमारी चिंता कर रहे होंगे। वो जल्दी आ जाएंगे। बच्ची, चल आ जा, बनाते हैं खाना। अच्छा भीम समझदार नहीं, बेवकूफ है। अपने बड़ों के फैसलों के खिलाफ जाना बेवकूफी होती है। भाभी, आपके लिए कुछ लाया हूं। क्या है ये देवर जी? देखिए तो सही। भाभी ये आपके लिए। मैंने अपने शादी के लिए कुछ पैसे बचाए थे तो सोचा उन पैसों से अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा और उस देवता के लिए कुछ लूंगा जिसने मेरी मदद की। मैं कब से देवता हो गई देवर जी? भाभी आप ही मेरी देवता हो और जीवन भर आपको ही प्रणाम करूंगा मैं। बहुत प्यारी साड़ी है देवर जी। आप पे खूब अच्छी लगी। मैं जाता हूँ। ठीक। कुछ कहो ना।
जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। नहीं जाऊंगी। जब आप मानती हैं, तो क्यों झूठ मूठ का समझाती हैं? कहती है कि माँ बेटी का रिश्ता अलग होता है। जब माँ बेटी की खुशी समझती है तो बेटी भी माँ की समझती होगी ना। आई दरवाजा खोलो या फिर कह दो जो भी आपने कहा था सब झूठ है। ठीक है मत खोलो, मैं भी यहाँ बैठे बैठे रात भर आपका दरवाजा खोलने के लिए बोलती रहूंगी। कम से कम माँ का दरवाजा ना खोलना और बेटी का दरवाजा खोलने की कोशिश का रिश्ता तो बनेगा ना। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये सब मेरे ही लोग हैं ना, तो हो क्या गया है इन लोगों को? जिसको जो सही लगता है बस वही करता है। विवाह का मन किया, चला गया घर छोड़ के। आनंद बाला अपनी मर्जी के मालिक। तुम्हारे बाबा को लगा बीवा को ढूंढने चला जाता, वो किसी को बिना बताए चले गए बस। तुम्हारे बाबा को मालूम नहीं था ना कि शादी नहीं होगी, फिर तुम्हारे बाबा क्यों नहीं आए अब तक? बताओ, कोई बताओ। मुझे पता है बीवा को ढूंढने जाना ये बस एक बहाना है। इस बहाने से वो घर के बाहर रहते और बीवा की बात सही साबित करवाते। शादी में नहीं रहेंगे तो शादी के विरोध में गिने जाएंगे ना। हर किसी को बस अपनी पड़ी है, अपनी सोच सही लगती है। क्या मेरी फिक्र है किसी को? आई, मुझे आपकी बहुत फिक्र है, लेकिन आप पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद जो कहना है कह दीजिए। भाभी थोड़ा खा लेना, किसी ने कुछ नहीं खाया है, तो खाएगी तो सब खा लेंगे। मंजुला आई को खिला दे, गंगा एक काम कर आनंद और बाला को भी खाना दे दे। हाँ, चल सब खाना खाते हैं, खिला। बाला भैया, आई ने कुछ खाया तो, वरना उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाती। हाँ ना, पर अब हमें बाबा और भीम को ढूंढना ही होगा। ढूंढ लेंगे, लेकिन हमें भास्कर की भाभी को भी शुक्रिया कहना चाहिए। अगर उन्होंने हमारी मदद ना की होती तो ये शादी कभी टूट ही नहीं पाती। नुकसान चाहे जो हुआ हो, लेकिन ये शादी का टूटना ही अच्छा हुआ। आनंद, अगर उनके घर वालों ने हमें उनसे मिलने ही नहीं दिया तो उन्हें शुक्रिया कैसे कहेंगे? बाला भैया, जैसे हम पहले उनके कमरे में कूदे थे, फिर से कूद जाएंगे और कह देंगे शुक्रिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? साढ़े
साड़ी तो बड़ी अच्छी है। आई, मुझे पता है मेरे कारण आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई है और परिवार का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई तू करेगी। आई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पापा, पापा मुझे माफ कर दीजिए। खानदान की इज्जत को तूने मिट्टी में मिला दिया। मुझसे गलती हो गई आई। मुझे सिखाएगी बड़ी आई अंग्रेजी बोलने वाली। भाभी अभी तक तैयार हो गई होगी। देखो तो सही मेरी दी हुई साड़ी में कैसी लग रही है मेरी भाभी। भाभी, 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 भैया, अरे किसी काम की नहीं थी, हम और लड़कियां देख रहे हैं, उनमें से एक अच्छी ढूंढ के लाएंगे, तू चिंता मत कर। भैया, वो भाभी, चलिए ना भैया। भैया वो कुछ बोल नहीं रही है भैया, उनको बेचे के बस लेके जाना होगा। अरे बाबा, वो कुछ नहीं बोल रही है, पता नहीं क्या हो गया उनको। भैया चलिए ना, भैया चलिए ना भैया। मर चुकी है वो। मर चुकी है। मर गई। लेकिन कैसे? बाबा, ये भाई क्या कह रहे हैं? सही बोल रहा है वो। वो इसी के लायक थी। तू जाके सो जा, कल सुबह क्रियाकर्म कर लेंगे। चलो। भाभी, आप ही मेरी देवता हो और जीवन भर आपको ही प्रणाम करूंगा मैं। बहुत अच्छी लड़की थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया कि उसकी गलती के कारण उसके परिवार की इज्जत पे आंच आ गई। बेचारी का दम घुट रहा होगा, प्यास लगी, पानी का मटका लिया और पानी पी भी नहीं पाई, मुझे अकेला कर गई। बहुत प्यार करती थी मुझे, क्यों चली गई? कैसे रहूंगा तेरे बिना? जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं, है ना? इसलिए अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। हे भगवान, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था?
जो ये अन्याय हुआ हमारे साथ। भगवान इसके साथ मुझे भी तुम उठा लेते, क्या भाग है मेरा। आइए साहब, साहब मेरी भाभी को मेरे आई बाबा ने मारा है। ये क्या बोल रहा है भास्कर तू? हम भला क्यों मारेंगे हमारी बहू को? उसके जाने से सबसे ज्यादा दुख तो हमें हुआ है।